कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा त्यजन्मो कवि कर्मणि। अभिमान ईश्वर को तनिक भी पसंद नहीं, और यदि कोई अभिमानी होकर दैवी शक्तियों को भी ललकारने लगे तब तो समझ लो कि उसका पतन बहुत निकट है। सफलता यदि किसी का मानसिक संतुलन बिगाड़ दे तो फिर सफलता बहुत शीघ्र असफलता में बदल जाती है, यही प्रकृति का नियम है। देवर्षि नारद सफलता पाते ही ये भूल गए कि उन्हें काम पर विजय दिलाने में श्री विष्णु भगवान का सबसे बड़ा हाथ था। यदि वे समय पर देवर्षि को कामदेव के लक्ष्य से सचेत ना करते तो वे कभी कामदेव को रोक ना पाते। किंतु देवर्षि ने आवेश में आकर भोलेनाथ और भगवान श्री विष्णु के आगे जो डींग मारी उसका फल तो उनको मिलना ही था। परंतु अधिक रुचिकर बात यह है कि देवर्षि नारद को मिलने वाला ये झटका नई घटनाओं का जन्मदाता बनने की शक्ति भी रखता है। देखें देवर्षि का क्रोध क्या गुल खिलाता है। हे नारायण, ये आपने क्या किया, क्यों किया? चौथी बार प्रयत्न मत करना, आपका सुंदर मुखड़ा तीन तीन बार देखकर हम लोग तो धन्य हो गए। मैं देख रहा हूं मेरी इकलौती पुत्री के स्वयंवर में भाग लेने के लिए मानव दानव देव यक्ष गंधर्व ही नहीं वानरराज भी पधारे हैं। कमल नयन देवर्षि आ रहे हैं, ज्वालामुखी फटने ही वाला है, बहुत क्रोधित दिखाई दे रहे हैं। ये आपने अच्छा नहीं किया लक्ष्मी नारायण, मेरी जग हसाई करवाकर आपने अच्छा नहीं किया। मैं आपको श्राप दे रहा हूं,
कि आप मानव योनि में जन्म लेंगे, अपनी प्रियतमा जीवन संगिनी के वियोग को झेलेंगे और मुझे जो रूप देकर आपने मेरी जद हसाई करवाई है, उसी रूप को रखने वाले लोगों से आपको सहयोग और सहायता की भीख मांगनी होगी। हे लक्ष्मी नारायण, मुझे आज बहुत दुख है, मेरे मन में अत्यंत पीड़ा है। यदि आपको स्वयं विश्वमोहिनी से विवाह करना था तो आपने मुझे प्रोत्साहित ही क्यों किया, मुझे स्वयंवर में भाग लेने के लिए उकसाया ही क्यों? मैंने तो आपसे अपना कल्याण करने की विनती की थी, आपने मुझे उपहास का पात्र बना दिया। माते माते, आप कुछ कह क्यों नहीं रही हैं? अपने पुत्र के अपमान पर आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं माते? हे कमलनयन, देवर्षि के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मुझसे इनका दुख देखा नहीं जाता, ये मुझे अत्यंत प्रिय है। देवर्षि, आपने दो प्रश्नों का उत्तर चाहा है। पहला ये कि मैंने आपको विश्व मोहिनी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित क्यों किया, और दूसरा ये कि आपको वानर रूप देकर मैंने आपका उपहास क्यों करवाया। हाँ नारायण, और मुझे अपने इन दो प्रश्नों का उत्तर यहीं और अभी चाहिए। निस्संदेह देवर्षि, जहां तक आपको स्वयंवर में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का संबंध है, तो मैं आप पर यह सत्य प्रकट करना चाहता था देवर्षि, कि आपकी उस घोषणा के उपरांत भी कि आपने काम को जीत लिया है, आप काम को जीत नहीं पाए। देवर्षि, यदि आपने काम को जीत लिया होता तो विश्व मोहिनी को देखने के उपरांत आप उस पर आसक्त न हुए होते, अपना आपा न खो बैठते। हे देवर्षि, धरती पर जो कुछ हुआ वो तो केवल मेरी लीला थी, सर्वत्र माया का खेल था। लीला थी, खेल था, माया थी, मैं समझा नहीं नारायण। हाँ देवर्षि, वेदवती आपके नारायण की भक्त थी, इन्हें पाना चाहती थी, परंतु रावण की दुष्टता के कारण उसके जीवन का अंत हुआ। तब उसने विश्वमोहिनी बनकर अपने आराध्य विष्णु को पा लिया। हाँ देवर्षि, देवर्षि नीचे देखिए, जहां आपको शील नगरी दिखाई दी थी, राजा शील का भवन दिखाई दिया था, विश्व मोहिनी का स्वयंवर मंडप दिखाई दे रहा था, अब वहां क्या है? किंतु हे लक्ष्मी नारायण, मुझे वानर रूप देकर मेरा उपहास करने की क्या आवश्यकता थी? देवर्षि, मैं तो केवल आपको यह बताना चाहता था कि जब किसी व्यक्ति के मन में अहंकार डेरा जमा लेता है तो उसका अच्छा भला रूप भी बिगड़ जाता है। देवर्षि, जब अहंकारी व्यक्ति अहंकार के मद में चूर सिर उठाए और छाती फुलाकर चलने लगता है तो यह भूल जाता है कि उसकी उस चाल और मुद्रा को देखकर बुद्धिमान व्यक्तियों को हंसी आती है। देवर्षि, जिस प्रकार दिए की लौ अपनी ही बाती को धीरे धीरे जलाकर राख करती है, उसी प्रकार ऋषि का अहंकार उसके तेज और तप का नाश करता है। हे ब्रह्मापुत्र, मैं आपके तेज और तप को अहंकार की अग्नि से बचाना चाहता था, वो आपका उपहास नहीं था। देवर्षि, मैं जानता हूं कि आपके मन से अब अहंकार निकल चुका है। मुझे क्षमा कर दीजिए लक्ष्मी नारायण, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा। देवर्षि, पर यह तो बहुत बुरा हुआ,
देवर्षी, क्या बुरा हुआ? माते, मैंने अपने उपहास के आवेश में आकर नारायण को मानव योनि में जन्म लेने, पत्नी के वियोग को झेलने और वानरों से सहायता लेने का श्राप दे दिया। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं नारायण? देवर्षी, आपका यह श्राप सिर आंखों पर, और आपके इस श्राप का एक अंश तो अतिशीघ्र रंग लाएगा। रावण के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, मानवता कराह रही है देवर्षि, और मानवता की कराह को मैं अनसुना नहीं कर सकता। और देवर्षि, यह भी तो संभव है कि आपके इस शाप में भी मानव कल्याण का महान उद्देश्य निहित हो। देवर्षि के शाप से मैं भी तो मुक्त नहीं हूं कमल नयन। महादेवी, हम दोनों को धरती पर जाना होगा। देवर्षि के शाप के कारण मुझे रघुकुल जाना होगा, और आपका भी मिथिला नगरी में जाना निश्चित है। महादेवी, आप महाराज शीरध्वज के घर जन्म लेंगी। महाराज शीरध्वज के घर? कौन महाराज शीरध्वज कमल नयन? महादेवी, मिथिला के नरेश राजा जनक का वास्तविक नाम है शीरध्वज। उनके वंश के हर राजा को विदेह या जनक कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि उनका आदि पुरुष एक मृतक की देह से जन्मा था। मृतक की देह से? ऐसी विचित्र बात कहकर आपने मेरी उत्सुकता बढ़ा दी है। भला मृतक की देह से कोई जीवित कैसे जन्म ले सकता है? महादेवी, अच्छा होगा कि जिस वंश में आप जन्म लेने वाली हैं, उसके विषय में सब कुछ जान लें। मैं जानने के लिए उतावली हो रही हूँ कमल नयन। बहुत पहले एक राजा निमी हुआ करते थे, जो बहुत ज्ञानी, विद्वान और प्रतापी थे। एक बार उन्होंने राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया महादेवी, और उन्होंने अपने कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ को पौरोहित्य के लिए आमंत्रित किया। शिवर, महाराज निमी पधारे हैं, मैं उन्हें भीतर ले आऊं? नहीं, मैं स्वयं उनका स्वागत करूंगा। आपका स्वागत है महाराज निमी। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भाव, कहिए कैसे कष्ट किया? मैं आपको आमंत्रित करने आया हूं गुरुदेव। मैं राजसूय यज्ञ कराना चाहता हूं, और चाहता हूं ये यज्ञ आपके पवित्र हाथों से संपन्न हो। मैं आपका यज्ञ संपन्न करा के अत्यंत प्रसन्न होता राजन, परंतु क्या करूं, अभी कुछ ही समय पूर्व इंद्र ने मुझे अपने यहां यज्ञ कराने के लिए आमंत्रित किया, और मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया। अब तो इंद्र का यज्ञ संपन्न कराने के पश्चात ही मैं आपका यज्ञ करा सकता हूं। मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था। आपको निराश करते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है राजन, परंतु क्या करूं, विवशता है। हां, इंद्र का यज्ञ संपन्न कराने के पश्चात मैं आपका यज्ञ अवश्य करूंगा। आयुष्मान बाबा, क्या करूं? गुरुदेव को लौटने में न जाने कितना समय लगे। यज्ञ का निश्चय कर चुका हूं, ऋषि गौतम के पास जाकर विनती करता हूं, वे अवश्य मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लेंगे। अच्छा होता कि चलते चलते ऋषि वशिष्ठ से कह देता कि मैं ऋषि गौतम से यज्ञ करवा लूंगा।
प्रणाम ऋषिदेव, मैं मिथिला नरेश, महाराज निमिहु ऋषिवर। तेजस्वी भव, हे महाराज, आपको कौन नहीं जानता, किंतु आपको अपने आश्रम में देखकर हमें आश्चर्य अवश्य हो रहा है। मैं आपको कष्ट देने आया हूं। आपका स्वागत है, कहिए कैसा कष्ट? हे पूजनीय ऋषिवर, मैंने अपने राज्य में यज्ञ कराने का निश्चय किया है। मेरी इच्छा है कि यह यज्ञ आप स्वयं संपन्न करें। मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। मेरा निमंत्रण स्वीकार करके मुझे कृतार्थ करें, आपकी अनुकंपा होगी। मुझे आपका निमंत्रण स्वीकार है, आपका यज्ञ मैं अवश्य संपन्न करूंगा। प्रणाम ऋषिवर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। स्वाहा। हे राजन, आपका यज्ञ संपन्न हुआ, बधाई हो। आइए ऋषिवर, आइए। हे ऋषिवर, मेरा यज्ञ संपन्न करवा के मेरा पुरोहित बनकर आपने मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं सदैव स्मरण रखूंगा। इसमें उपकार कैसा देवराज? यज्ञ करना और करवाना तो हमारा धर्म है, कर्तव्य है। आपके निमंत्रण पर यज्ञ करवाकर और उसे संपन्न करवाकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई, परंतु पृथ्वी पर महाराज निमि मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उन्होंने भी मुझे यज्ञ के लिए आमंत्रित किया है, वहां पर भी मुझे यज्ञ संपन्न कराना है। मुझे विदा दी। एक बार पुनः आपका कोटि कोटि धन्यवाद ऋषिवर। यशस्वी भाव। कल्याणमस्त। प्रणाम ऋषिवर। महाराज को हमारे आने की सूचना दें। ऋषिवर की जय हो। महाराज निम्न अभी थक कर विश्राम कर रहे हैं। महाराज से कहो कि यज्ञ का मुहूर्त संध्या से पूर्व का है, यदि विलंब किया तो मुहूर्त निकल जाएगा। यज्ञ पर? ऋषिवर, महाराज तो अभी अभी यज्ञ से ही लौटे हैं। कैसा यज्ञ? यज्ञ तो मैं करवाने वाला था। मैं उनसे कहकर गया था कि यज्ञ मैं करवाऊंगा। ऋषिवर, आप आ नहीं सके इसलिए ऋषिवर गौतम ने ही यज्ञ संपन्न किया। क्या? उन्होंने यज्ञ? और महाराज ने उचित नहीं समझा कि मुझे सूचित करते
करके उन्होंने ऋषि गौतम से यज्ञ कराने का निश्चय किया है? इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने अपना गुरु बदल लिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब उन्हें मेरी आवश्यकता नहीं है। यह मेरा घोर अपमान है। जाओ, जाकर अपने महाराज से कह दो कि आज के यज्ञ का उन्हें कोई फल नहीं मिलेगा और मैं वशिष्ठ उन्हें शाप देता हूं कि आज संध्या से पूर्व ही उनकी आत्मा उनका शरीर त्याग देगी। ऋषिवर, ऋषिवर, महाराज, 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 क्या हुआ? चिल्लाकर मेरी निद्रा क्यों भंग कर दी? महाराज, अनर्थ हो गया महाराज। क्या हुआ? गुरुदेव वशिष्ठ पधारे थे महाराज। क्या, गुरुदेव पधारे थे? जी। कहाँ है वो? वो तो चले गए। मैंने उनसे कहा कि आप विश्राम कर रहे हैं तो वो। मूर्ख, ये तूने क्या किया? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने अब उन्होंने मूर्ख क्या कहा उन्होंने? उन्होंने उन्होंने आपको शाप दे दिया महाराज। शाप दे दिया? क्या शाप दे दिया? उन्होंने कहा कि आज संध्या ढलने से पूर्व आपकी आत्मा आपका शरीर त्याग देगी महाराज। गुरुदेव, गुरुदेव, द्वारपाल, राजवैद्य को बुलाओ। महाराज, 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 देखिए ना महाराज को क्या हो गया। महाराज निमि परलोक से धार गए। और इस प्रकार ऋषि वशिष्ठ के क्रोध और शाप के कारण राजा निमि का देहांत हो गया। दुख तो यह था महादेवी कि राजा निमि बिना संतान के थे, उनके उपरांत उनके कुल का अंत निश्चित था। उत्तराधिकारी के बिना उनका विशाल राज्य सूना रह गया। पर महादेवी, ऋषि गौतम ने सप्त ऋषियों से सहायता मांगी और उन सब ने मिलकर राजा निमि की मृत देह से संतान प्राप्ति का अभियान आरंभ कर दिया। किया जाए। किया जाए? अवश्य ऋषिवर, मथानी लाई जाए। महाराज,
राजा निमि के शव से जन्मे उस सुंदर राजकुमार का नाम रखा गया मिथि, क्योंकि वो मंथन से प्रकट हुआ था। उसी ने मिथिला नगरी बसाई और उसके उपरांत जो भी मिथिला का राजा हुआ उसे विदेह या जनक कहकर पुकारा गया। विदेह इसलिए महादेवी क्योंकि उनका जन्म मृत देह से हुआ था, और जनक इस कारण क्योंकि वो सारे राजा एक पिता की भांति प्रजा पालन करते थे। वर्तमान मिथिला के जनक अर्थात सीर ध्वज मिथि की 37वीं पीढ़ी है। अब वही आपके पिता होंगे महादेवी, और आप उनकी पुत्री जानकी कहलाएंगी। हे कमल नयन, मुझे कब जाना होगा? अभी विलंब है महादेवी, और धरती पर तो हम दोनों को जाना होगा, जिसका एक कारण तो है देवर्षि का शाप और दूसरा कारण है रावण के अत्याचार, और मुझे प्रतीक्षा है रावण के पाप की गागर भर जाने की। लंकेश की जय हो। आपकी इच्छा अनुसार सेवक उपस्थित है। आइए आइए महामंत्री जी आइए, मुझे आप ही की प्रतीक्षा थी। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या यह समाचार सत्य है कि सारे ऋषिगण लंका छोड़कर जा चुके हैं और अब हमारी राज्य सीमाओं में एक भी ऋषि नहीं बचा, क्या ये सत्य है? समाचार सर्वथा सत्य है महाराज। हम प्रसन्न हुए महामंत्री जी, अति प्रसन्न। इसका अर्थ ये हुआ कि अब हमारी राज्य सीमाओं में उस छलिए का कोई नाम लेवा नहीं रहा जिसे ऋषि पालनहार नारायण और न जाने क्या क्या कहकर पुकारते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब हमारी राज्य सीमाओं में वह हास्य जनक आडंबर भी समाप्त हो गया जिसे यज्ञ कहते हैं। आप चुप क्यों हैं महामंत्री जी? इसलिए कि यह समाचार सर्वथा सत्य नहीं है, इसमें संशय नहीं है महाराज कि ऋषिगण लंकेश की राज सीमाओं से दूर चले गए हैं, किंतु यज्ञ चलित अवस्था में है, इस समय भी हो रहा है। ऋषि चले गए किंतु यज्ञ अभी भी हो रहा है, मुझे ये परस्पर विरोधी सूचनाएं क्यों दी जा रही है महामंत्री जी? मुझे बताएं कि कौन है वो जो हमारे राज्य में यज्ञ कर रहा है? आप बार बार चुप क्यों हो जाते हैं? मुझे बताएं कि कौन है वो? मैं उसके शरीर से रक्त की एक एक बूंद निचोड़ लूंगा। मुझे बताएं कि कौन है वो? मुझमें उसके नाम की घोषणा करने का
साहस नहीं है महाराज। क्यों? क्योंकि उसका आपके साथ रक्त का संबंध है महाराज। पहेलियां ना बुझाए महामंत्री जी, अब मुझे बताएं कि कौन है वो। वह कोई और नहीं महाराज, आपके अनुज हैं। क्या कहा आपने? तेरा अनुज, तेरा विभीषण, जिसे मैंने अपना अनुज नहीं सदैव अपना पुत्र समझा? नहीं महामंत्री जी, ये नहीं हो सकता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। विभीषण ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो रावण की इच्छा के विरुद्ध हो। वो ऐसा नहीं कर सकता महामंत्री जी। और यही सर्वथा सत्य है महाराज। कहाँ है वो? अपनी यज्ञशाला में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। प्रणाम भ्राताश्री। मैंने आज वो देखा जो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा अनुज, मेरा विभीषण जो जानता है कि मैं विष्णु से कितनी घृणा करता हूं, जो जानता है कि मुझे विष्णु के यज्ञ से कितना बैर है, वो विभीषण विष्णु का यज्ञ कर रहा है, वो भी रात के अंधेरे में सबसे छिपकर। क्यों भ्राताश्री, मैं तो ये सब दिन के उजाले में सबके सामने इसलिए नहीं करता कि कहीं प्रजा ये न समझे कि लंकापति के घर में ही उनके आदेश की अवहेलना हो रही है। तो ये नहीं हो रही? क्या ये सत्य नहीं कि मेरा अनुज तेरे पिता के रक्त का भागीदार मेरा आदेश ठुकरा रहा है? मुझे आज ज्ञात हुआ
कि मैं जिस अनुज से पुत्र की भांति स्नेह रखता था उसके मन में मेरे लिए कोई आदर नहीं, कोई स्नेह नहीं। नहीं भ्राताश्री, ऐसा ना कहें। आप भले भांति जानते हैं कि मैं आपको पिता समान समझता हूं। आप जब चाहे मेरे स्नेह की परीक्षा ले सकते हैं। जब चाहे क्यों विभीषण, मैं आज अभी और इसी क्षण तुम्हारी परीक्षा लूंगा। मैं देखूंगा कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कितना आदर है, कितना स्नेह है। कहो, स्वीकार है तुम्हें? आज्ञा दीजिए भ्राताश्री। तो मुझे वचन दो कि आज से, इस क्षण से तुम यज्ञ करना छोड़ दोगे। मैं वचन देता हूं भ्राताश्री, किंतु आज्ञा हो तो एक बात पूछूं। पूछो, अवश्य पूछो। भ्राताश्री, जब हम दोनों छोटे छोटे बालक थे तो पिताश्री आपसे यज्ञ में जाने के लिए कहते थे और माताश्री आपको जाने से रोक देती थी, तो आप स्वयं मुझसे कहते थे कि आपके स्थान पर मैं जाऊं, यज्ञ में भाग लूं। और आज आप उस समय की बात कुछ और थी विभीषण, क्योंकि उस समय मुझे ज्ञात नहीं था कि विष्णु में कितने दोष हैं, विष्णु यज्ञ में कितने दोष हैं, क्योंकि उस समय मैं बालक था, छोटा था। किंतु अब मैं सब कुछ जान चुका हूं, सब कुछ जान चुका हूं। मैं क्या जान चुके हैं भ्राताश्री? यही कि विष्णु कितना कपटी है, कितना धूर्त है, कितना दुष्ट है। हे ईश्वर, वो मेरा और मैं उसका विरोधी हूं। यदि तुम सत्य कह रहे हो कि तुम मेरा आदर करते हो, तो फिर आज से तुम्हें उसका विरोध करना होगा विभीषण। आज से यज्ञ बंद करना होगा। मैं आपको वचन दे चुका हूं कि आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब मैं यज्ञ नहीं करूंगा। विभीषण, मेरे अनुज, मैं प्रसन्न हूं, अति प्रसन्न। तुम वास्तव में मुझसे स्नेह करते हो। मैं आपसे बहुत स्नेह करता हूं भ्राताश्री। मेरे शरीर पर तो आप अंकुश लगा सकते हैं, किंतु मैं अपनी आत्मा का क्या करूं? वो तो विष्णु के रंग में रंग चुकी है। रावण था पंडित बड़ा, रावण था विद्वान, महिमा से वह यज्ञ की फिर भी था अनजान। विनय विभीषण में भरा रावण में अभिमान, भक्त विभीषण के हृदय बसे रहे भगवान, से रहे भगवान। जो सुनेगा ये पुराण पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़ दान, प्रेम की तू छेड़ दान।
रथ पे चल सुजाने।